हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और सीसेट पेपर 2 की प्रीवियस ईयर सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2015 से 2017 तक जितने भी क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग पे बेस्ड आए थे ऑलरेडी हम आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे 2018 और 20 के अंदर ऑर्डर एंड रैंकिंग पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो। ओके, सो स्टार्ट करें, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हाँ जी कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो अब देखिए 2015 के अंदर 4 क्वेश्चंस थे ऑर्डर एंड रैंकिंग में से, 2016 में 3 क्वेश्चन थे, 17 में 2 क्वेश्चंस थे, 18 में 1 क्वेश्चन था, 2019 में देर वर 4 क्वेश्चंस एंड इन 2020 देर वर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्डर एंड रैंकिंग। दैट मींस कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से इजीली आप स्कोर कर सकते हो। 1 से 2 क्वेश्चन तो आप इजीली एग्जाम के अंदर एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। दैट मींस कि 7.5 मार्क्स तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है ना। तो देखिए अभी डिस्कस कर रहे हैं हम 2018 का क्वेश्चन। अभी आप देखो कि कितना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सिंपल थोड़ा सा हमने देखने कि जो लेवल है ना क्वेश्चंस का वो टफ नहीं है। आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चंस भी जो हमने डिस्कस किए हैं, लेवल इतना टफ नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ये है कि हाँ जी लॉजिकली सोचना है हमने, खासकर जब रीजनिंग वाला पार्ट आता है तो उसके अंदर बस सिर्फ थोड़ा सा सोचने वाली बात और कुछ भी नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन के अंदर, कह रहे कि पेन इज लेस देन पेंसिल। ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर होता क्या है, ऑर्डर बेस्ड मींस कि हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स गिवन है, जैसे यहाँ पे पेन पेंसिल बुक गिवन है, तो उनको एक ऑर्डर में लगाना है, लाइक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद में उनको कंपेयर करना है। सिंपल, तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि पेन इज लेस देन पेंसिल, पेन इज लेस देन पेंसिल एंड पेंसिल इज लेस देन बुक। अब ये पेंसिल है, पेंसिल इज लेस देन बुक, डन। अब आगे क्या गिवन है आपके पास में, बुक इज ग्रेटर देन कैप, ये बुक है, दिस इज ग्रेटर देन कैप। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एक पॉइंट बिल्कुल याद रखना, माइंड में बिठा लो आप अच्छे से, कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपकी जो साइंस हैं ऑपोजिट हो गए, जब जैसे ये है इसका साइन किधर है, इधर है ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, दैट मीन्स कि जो कैप है ना, इस कैप को आप इनमें से किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर कोई भी आपके पास में ऑप्शन आते हैं कि हाँ जी कैप के साथ कंपेयर करना है तो वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइंस अपोजिट हो गए। जब भी आपको इस तरह से अपोजिट साइन मिले कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दैट मींस वी कांट कंपेयर दीज टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, क्लियर। तो अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि आपके पास क्या है, कह रहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। अब यहाँ पे ऑलवेज ट्रू का केस है, कहते हैं पेन इज ग्रेटर देन कैप। अब पेन को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, कैप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो पेन और कैप के बीच में साइन कौन से आ रहे हैं, लेस देन और ये ग्रेटर देन आ गया। अभी मैंने आपको बताया अगर अपोजिट साइन हो गए दैट मींस वी कांट कंपेयर दीज टू वैल्यूज, दैट मींस कि वी कांट कंपेयर, तो कैसे कह देंगे कि ट्रू है, ठीक है ना। पेन इज लेस देन बुक, अब ये पेन है और ये बुक है, ये लेस देन दैट मींस क्या हो गया हमारे पास में, जो पेन है दैट इज लेस देन बुक, बिल्कुल करेक्ट है और ये हमेशा ट्रू रहेगा। Done? तो अपने पास में यहां पे क्या आ जाएगा, पेन इज लेस देन बुक, दिस इज करेक्ट। बाकी के जो है आपके पास में 4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन के साथ अंदर क्या कर रहा था, कैप के साथ कंपेयर कर रहा है, और मैंने आपको बताया कि जहां भी साइन अपोजिट आ गए उसके साथ तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। सिंपल, तो ये छोटा सा पॉइंट है, इसको माइंड में आप सेट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली कर लोगे। डन, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है, क्या है, ए बी सी डी ई एफ अपीयर्ड इन सेवरल टेस्ट्स, ओके एंड इधर सी ए और एफ स्कोर हाईएस्ट। अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या गिवन है कि या तो सी का हाईएस्ट स्कोर है या तो एफ का हाईएस्ट स्कोर है,
तो क्या बनेगा आपके पास में, या तो जो सी है उसका हाईएस्ट स्कोर है, बाकी के जो फाइव पीपल्स हैं स्टूडेंट्स हैं वो आपके क्या है, उनका सभी का लोअर स्कोर है एज कंपेयर टू सी. तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके, आगे क्या गिवन है, व्हेन सी स्कोर हाईएस्ट देन ई स्कोर एफ. यहाँ पे एक सी है और एक एफ है, तो दो पर्सन गिवन है, दैट मीन्स कि हमारे पास में दो केसेस चलेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो सेकेंड के अंदर वो क्या कह रहा है कि एफ को अगर हाईएस्ट लेके चलते हैं, अब है कि अगर C का हाईएस्ट है तो E का क्या है, लिस्ट है. देन व्हेन आर F स्कोर हाईएस्ट देन B स्कोर लिस्ट. अगर F का हाईएस्ट है तो B का क्या है आपके पास में, लिस्ट है. पॉइंट इज क्लियर? हां जी. अब देखिए नेक्स्ट गिवन है, इन ऑल द टेस्ट दे स्कोर डिफरेंट मार्क्स, D स्कोर हायर देन A. अब यहां पे हम D को कहां पे पुट करें, कुछ भी क्लियर नहीं है. ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि साइड में लिख लेते हैं. क्या कह रहा है आपके पास में कि जो डी है, डी स्कोर्स हायर देन ए, हायर देन है ए से, क्लियर, बट दे आर क्लोज कंपिटिटर्स. क्लोज कंपिटिटर मीन्स दोनों साथ आएंगे. ठीक है, बिल्कुल थोड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में. ठीक है, ए स्कोर हायर देन बी, ए का स्कोर किससे है, बी से हायर देन, एंड सी स्कोर हायर देन ए, और सी का स्कोर हायर है ए से. अब देखो सी को मैं इन दोनों के बीच में नहीं लिख सकती क्योंकि उसने कहा है कि डी और ए तो क्लोज कंपिटिटर है, दैट मींस कि सी इधर कहीं पे आएगा. पॉइंट इज क्लियर? अब देखिए यहां पे आपके पास में क्या गिवन है, इफ एफ स्टैंड सेकेंड इन द रैंकिंग, कह रहा है कि एफ अगर सेकेंड रैंकिंग है, सेकेंड रैंकिंग है, दैट मींस कि आपको इसमें से, यहाँ पे तो एफ की फर्स्ट रैंकिंग है, दैट मींस ये वाला केस नहीं लेना हमने इस क्वेश्चन के अंदर, ऊपर वाला केस लेना. ठीक है, तो ये वाला केस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया. पॉइंट इज क्लियर? अब कह रहा है कि देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी. अब बी की पोजीशन आपको बतानी है, तो यहाँ पे आप देखो कि अगर उसने कहा है कि एफ वाला तो कैंसिल हो गया, एफ सेकेंड में है, तो एफ सी के बाद आ गया, ये यही कहा उसने, एफ सेकंड रैंकिंग है तो सेकंड आ गया. अब बाकियों को पुट करना, आपने पुट कर दीजिए, सिंपल क्या है, सी डी बी सी डी ए बी, तो ये आ जाएगा आपके पास में, ये मैंने 2, 4, 6 ही बनाया ना. तो यहां पे क्या कह रहा है, सी, अब यहां पे जरूरी नहीं है कि यहां पे सी डी के साथ में ही आए, ध्यान रखो सी तो यहां पे आ गया, दैट मीन्स कि तीन रह गए हमारे पास में, तो ये कहां पे आ जाएंगे हमारे पास, डी ए एंड बी, क्लियर. तो ये आपका केस बन गया. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, बी की पोजीशन बताइए. तो यहाँ पे देखो बी की पोजीशन क्या आ जाएगी, सी एफ डी ए बी यहाँ पे आ गई, क्लियर. तो कौन सी पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन है, सो आंसर विल बी फिफ्थ. हाँ जी, क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल था. जैसे जैसे आपके स्टेटमेंट में गिवन है उसी को फॉलो करते हुए चलना है आपने. अब नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, अब उसी पे बेस्ड है. तो हमने जो भी अभी यहाँ पे कंडीशंस थी उसको हमने देखना है, सी ई एफ बी यही था, तो अब यहाँ पे भी हम वही लेके चलेंगे, सी और यहाँ पे ई रहेगा, सी से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना, यही था. और दूसरा क्या था, एफ बी वाला था, 1, 2, 3, 4, अरे ये हो गया अपने पास में बी, और साथ में क्या था अपने पास में, हाँ जी एक और पॉइंट था, क्या हमने नोट डाउन किया था, सी डी ए बी यही था. तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, सी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी. ओके, अब देखते क्वेश्चन कह रहा है, इफ बी स्कोर्स लिस्ट, इफ बी का स्कोर लिस्ट है, लिस्ट है, दैट मीन्स कि ये वाली कंडीशन लेनी है, ये वाला हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, देन द रैंक ऑफ सी विल बी, तो सी का रैंक क्या होगा. तो अब यहाँ पे देखिए आप जो सी है, ठीक है ना, सी का रैंक यहाँ पे आपको बताना है, तो बी यहाँ पे है. अब यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ए आ जाए, देखो बी के साथ में चल रहा है ना सारा, ए डी ठीक है और सी, अब यहाँ पे एक पर्सन बच गया अपना, कौन, ई, ई रह गया ना, तो यहाँ पे क्या पता हमारे पास में ए आ जाए, ऐसा हो सकता है. दूसरा क्या बन रहा है यहाँ पे कि आपके पास में जो यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास में जो ए है यहां से शुरू, कोई जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे जो सी है सी का कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सी है वो इधर आ जाए, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, डी ए बी,
पॉइंट इज क्लियर। अब यहाँ पे देखो, उसने साफ साफ कहा है कि जो सी है, जो हमने पहले स्टेटमेंट थी, तो स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था, सी स्कोर हायर देन ए, सी का स्कोर ए से हायर है, बट वो हायर में कहीं पे भी हो सकता है इस साइड, तो सी यहाँ पे भी हो सकता है, सी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, बट सी को हम और ज्यादा इधर फर्दर नहीं कर सकते क्योंकि ये तीन तो इधर ही आएंगे ना, डन। दैट मींस कि सी की पोजीशन क्या होगी, सी का रैंक यहाँ पे क्या होगा, तो सी का रैंक यहाँ पे क्या होगा, या तो सेकंड हो सकता है या तो थर्ड हो सकता है, क्लियर। सो आंसर विल बी सेकंड और थर्ड, या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा, पॉइंट इज क्लियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इफ ई रैंक्ड थर्ड, ई रैंक्ड थर्ड, अगेन सेम कंडीशन लेके चलेंगे हम, क्या था हमारे पास में, कह रहा है ई रैंक्ड थर्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो पहले अभी हमने लास्ट में जो नोट डाउन किया है, सी से ई और एफ से बी, तो ये जो है सी को कह रहा है थर्ड है, ठीक है ना, थर्ड है, दैट मींस ये वाला केस नहीं लेंगे हम, एफ वाला केस लेंगे, तो एफ बी वाला लेंगे हम केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सॉरी ई थर्ड है, ई थर्ड है, दैट मींस कि एफ और बी वाला केस लेंगे हम, टू थ्री फोर फाइव और सिक्स पे आ जाएगा आपके पास में बी। अब यहाँ पे कह रहा है इफ ई रैंक्ड थर्ड, ई का रैंक क्या है, थर्ड है, थर्ड है, दैट मींस कि ई कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ई यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके अलावा अभी हमने एक और पॉइंट नोट डाउन किया था, क्या कि ए इज ग्रेटर देन बी, डी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन ए, ये था। तो अब यहाँ पे इसको कहाँ पे हम पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, अब देखो ई तो यहाँ पे आ गया, अब हमें पुट करना है यहाँ पे, हाँ बी यहाँ पे है, इन तीनों को पुट करना है, सी डी और ए को। अब ये दोनों क्या है, क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं, दैट मींस कि दोनों कट्ठे आएंगे, दैट मींस कि डी और ए तो यहाँ पे आएगा, बच गया कौन आपके पास में, सी, तो सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट इज क्लियर। अब देखो क्या है, ई गेट्स मोर मार्क्स देन सी, हाँ जी, कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट है ई गेट्स मोर मार्क्स देन सी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ई के थोड़ी ना ज्यादा मार्क्स, सी के ज्यादा हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है कि सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, सी गेट्स मोर मार्क्स देन, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सी के मार्क्स ज्यादा है, दैट मीन्स कि ये करेक्ट हो गया, डन। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो आंसर आ गया, बी विल बी द करेक्ट आंसर, फोर्थ जो नेक्स्ट कह रहा है, ए रैंक्ड फोर्थ, तो ए की रैंक क्या है, फिफ्थ है, डी रैंक्ड फिफ्थ, डी की रैंक फोर्थ है, दैट मींस कि ये दोनों भी रॉन्ग हो गए, आंसर हो जाएगा आपके पास भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपके पास 2019 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, There are two values x and y. x is greater than 20. x is greater than or equal to 25. That means कि x की value हमारे पास में क्या हो सकती है, 25, 26, 27, आगे तक कितनी भी हो सकती है, doesn't matter. उसके बाद में कह रहा है कि y is less than or equal to 40. Less than equal to 40. That means कि 40 हो सकता है, ठीक है, 40 हो सकता है, तो यहाँ पे लेस देन है, तो ये हमने y की वैल्यू कंसीडर करी है, तो यहाँ पे ये लेस देन चली जाएगी, x की वैल्यू क्या हो सकती है ये, और y की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज क्या है, लेस जाएगा 39, 38, इस तरह से लेस 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 वन वन माइनस करके कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अब यहाँ पे देखो x के इज ग्रेटर देन y, तो इस केस के अंदर x क्या है, लेस देन है, बट कुछ केस के अंदर y से भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे छोटा करते 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 लेस जाएंगे तो 1 भी हो सकता है, तो कुछ केसेस में हो सकता है, बट ऑलवेज करेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे वर्ड आ जाता पॉसिबिलिटी, है ना, तो पॉसिबिलिटी के केस में तो करेक्ट रहेगा, बट वैसे रॉन्ग है, ठीक है। y माइनस x इज ग्रेटर देन 15, अब y में से अगर मैं x माइनस करूं तो सुप्रीम वैल्यू ले लेते हैं हम मेन जो है, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू आ रहा है 15, ठीक है। अब ये कह रहा है ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 15 तो हो ही नहीं सकता, इक्वल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट अगर मान लो मैं y से इसको माइनस करती हूँ तो क्या आएगा आपके पास, 14 आएगा, मींस कि क्या आएगा, y माइनस एक्स इज लेस देन, इक्वल टू हो सकता है और लेस देन हो सकता है किससे, ये हमारा कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला हमारा क्या, कि लेस देन इक्वल टू हो सकता है,
तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, सो c विल बी द करेक्ट आंसर। हां जी क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर किसी को? अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ये जो हमारे प्रीवियस ईयर की सीरीज है इसका आपको क्या बेनिफिट होने वाला है कि इसके अंदर अगर आप इसको ज्वाइन करते हो इन दैट केस पोर्टल पे आपको सेम लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी, साथ में ही हर एक लेक्चर के साथ में टेस्ट अवेलेबल है 20 क्वेश्चंस का। सी सेट को मुझे पता है कि हाँ जी ज्यादा आप सीरियसली नहीं लेते हो कि हाँ जी हमने 33% लेना है, पासिंग है, हम कर लेंगे इजिली। बट मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि उसके लिए भी थोड़ी प्रैक्टिस तो चाहिए ही ना आपको। तो यहाँ पे जैसे हमने एक लेक्चर देखा कि हाँ जी प्रीवियस ईयर में ये लेवल आया हुआ है, उसके बाद हमने एक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया सेम टॉपिक पे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ जी हमारा टॉपिक कितना प्रिपेयर हो गया है। क्लियर, तो वो आप कर सकते हो। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिंपल करना क्या है कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है प्रीवियस ईयर कोर्स का, ठीक है ना, तो उसको आप ले सकते हो। ठीक है, और फिर आपको अगर लगे कि नहीं मेरा तो काफी वीक है ये वाला टॉपिक और इसमें से तो हर बार क्वेश्चन आता है, तो उस केस में आप सिर्फ इसी टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन ले सकते हो। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, हमारे मॉड्यूल वाइज माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है ना। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, अब रैंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चंस थे ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन थे, अब रैंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, ए इज 16th फ्रॉम लेफ्ट, 2020 का क्वेश्चन है ये। ए इज 16th फ्रॉम लेफ्ट मींस कि एक हमारे पास रो है और जिसके अंदर ए कहाँ पे है, 16th है, ओह बॉय, एंड वी इज 18th फ्रॉम राइट एंड, और वी कहाँ पे है, 18th है, कहाँ से, राइट से, डन, ये लेफ्ट से है। अब है आगे आपके पास में क्यू इज 11th फ्रॉम ए टुवर्ड्स राइट, जो क्यू है वो 11th है राइट में, ठीक है। अभी तक मुझे इस लाइन से ये नहीं पता चल रहा कि मैं क्यू को यहाँ पे कहाँ पुट करूं, आगे थोड़ा सा रीड करते हैं। एंड थर्ड फ्रॉम वी टुवर्ड्स राइट, और वी से राइट की साइड थर्ड है, थर्ड है, दैट मीन्स की वी हो गया, इसके बाद फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है, दैट मीन्स की क्यू यहाँ पे है। क्लियर, अगर क्यू की पोजिशन यहां पे है, ठीक है, और ये क्या कह रहा है यहां पे, अब देखो ऊपर वाली लाइन पे दोबारा से जाते हैं, क्या कह रहा है, क्यू इज 11th फ्रॉम ए, ए से 11th है, 11th है, दैट मींस कि लेफ्ट से क्यू की पोजीशन क्या होगी, इसमें 11 ऐड कर देंगे तो क्या होगी, 27th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से क्या है, 27th है, 27th है, कहां से, लेफ्ट से, डन। अब साथ में जब मुझे पता है कि भी मुझे लेफ्ट से एक पर्सन की पोजीशन मिल गई है और मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन रो के अंदर फाइंड आउट करने हैं, इन दैट केस हम अगर उसी सेम पर्सन की लोकेशन राइट से फाइंड आउट कर ले तो हो जाएगा। तो राइट से देखो जो वी है, वी राइट से कौन सी पोजीशन पे है, 18th पोजीशन पे, तो राइट से अगर हम चले तो क्यू की पोजीशन क्या हो जाएगी, 18th, 17th, 16th एंड 15th, दैट मींस क्यू इज 15th फ्रॉम राइट। राइट से अगर मैं देखूं तो कौन सी पोजीशन है उसकी, 15th है, तो क्योंकि मुझे दोनों साइड से पोजीशन पता चल गई कि क्यों यहां से 27th है और राइट से मेरे पास में कौन सी 15th पोजीशन है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे आपके पास में, देखिए 27 प्लस 15 माइनस 1, दैट मींस 41, सो 41 विल बी द करेक्ट आंसर। हमेशा ध्यान रखना कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन ये करना है और एक पर्सन की पोजीशन मुझे लेफ्ट राइट से पता है, तो दोनों पोजीशंस को ऐड करोगे 1 माइनस कर दोगे, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें जरूर कंफ्यूजन होती है कि हाँ जी दोनों को ऐड कर देते हैं 42 आंसर आना चाहिए, बट 42 नहीं आएगा। देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझो आप, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक रो है, ठीक है, ये पर्सन है मेरी रो में टोटल, यहां से देखो तो ये जो पर्सन है ये सेकेंड पोजिशन पे है लेफ्ट से, लेफ्ट से अगर मैं कहूं तो ये सेकेंड पोजीशन पे है, ठीक है, दैट मींस कि एक पर्सन यहां पे है और एक ये सेकेंड पे हो गया। अब मैं कहती हूँ ए राइट से भी सेकेंड पोजीशन पे है, तो ये राइट से सेकेंड पोजीशन पे, दैट मींस कि यहां से फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, दैट मींस कि राइट से भी कौन सी पोजीशन है, सेकेंड। अब बताओ रो में कितने लोग है, कितने लोग है, तीन है ना, चार तो नहीं है, ठीक है। दैट मींस क्या करना है कि जब आपके पास में लेफ्ट और राइट
पोजीशन गिवन है और आपको टोटल फाइंड आउट करना है, इन दैट केस क्या करेंगे, लेफ्ट से जो पोजीशन है प्लस राइट से जो पोजीशन है क्या करेंगे, माइनस वन कर देंगे। ओके, पॉइंट क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चन जब मैंने 2020 का एनालिसिस किया था तब भी करवाया था, तब भी काफी स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहा कि नहीं मैडम 42 क्यों नहीं आंसर आया, तो अब क्लियर है, आई थिंक किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए अब इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिवन बिलो विद रिगार्ड ऑफ 4 मेंबर्स पी क्यू आर एस फॉलोड बाय द क्वेश्चन। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में भी आपके पास आ सकता है। डाटा सफिशियंसी में तो आपसे किसी भी टॉपिक में से पूछा जा सकता है, लाइक ब्लड रिलेशन आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, पजल्स आ गया, सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, तो वो डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, जैसे कि 2020 में आया था। क्या है यहाँ पे कि दो स्टेटमेंट्स गिवन है, पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि R is greater than P as well as Q, R is greater than P as well as Q का है उसने, that means कि P और Q दोनों से बड़ा है, बट ये नहीं पता P और Q के अंदर क्या रिलेशन है, P बड़ा है या Q बड़ा है, ठीक है। अब आगे यहां से हमें क्या आंसर मिल रहा है, क्या है हमारे पास में, among 4 numbers P, Q, R, S, which is largest? तो देखो यहां से मुझे पता चल रहा है कि हाँ जी कौन लार्जेस्ट है। अब जो एक पर्सन उसका तो नाम ही नहीं आया तो हम कैसे बता सकते हैं, उसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता, दैट मीन्स कि पहले से हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब हम दूसरी स्टेटमेंट देखते, कह रहे एस इज नॉट लार्जेस्ट वन, कहते एस लार्जेस्ट नहीं है, दैट मीन्स कि एस यहाँ पे तो नहीं आ सकता, दैट मीन्स कि एस जो है वो भी आर से क्या है, छोटा, लार्जेस्ट तो नहीं है, दैट मींस अब दोनों को मिला के हमें पता चल गया कि भी आर लार्जेस्ट है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट एस वन एंड एस टू टूगेदर इज सफिशियंट टू गिव द आंसर, बट नीदर एस वन अलोन और एस टू अलोन इज सफिशियंट टू गिव द आंसर, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हां जी, क्लियर है सभी को, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस तरह के बार बार जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, तो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए जल्दी से इनको खुद से करने की कोशिश करनी है आपने। देखो क्या, ए टोटल ऑफ 78 सोल्जर्स आर स्टैंडिंग इन रो, एक रो है उसमें टोटल कितने हैं, 78 सोल्जर्स है। देन अब है राम सिंह वाज स्टैंडिंग एट 25th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से राम सिंह की पोजीशन क्या है, कह रहा है 25th है, कहां से, लेफ्ट से। श्याम सिंह वाज स्टैंडिंग एट 20th पोजीशन फ्रॉम राइट, एक पर्सन है श्याम सिंह और उसकी पोजीशन क्या है, 20th है, कहां से, राइट से। दैट मीन्स कि यहां तक अगर मैं देखूं तो 25th पर्सन तो ये है, दैट मीन्स कि पूरे 25 लोग तो यहां पे आ गए, ठीक है, और 20 लोग यहां पे आ गए। अब क्वेश्चन है कि बताओ राम सिंह और श्याम सिंह के बीच में कितने लोग हैं, तो देखो 25 ही हो गए, 20 ही हो गए, टोटल कितने, 78 है, तो ये कितने हो गए आपके पास, 45। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि राम सिंह और श्याम सिंह के बीच में कितने लोग हैं, तो कितने रहेंगे, 78 माइनस 25 प्लस 20, दैट मीन्स 45 हो गया, हो जाएगा आपके पास में 33। ओके, सो 33 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसके अंदर, आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई डाउट आता है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा देयर आर 7 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एफ जी हु सिक्योर डिफरेंट मार्क्स इन द क्लास टेस्ट, ए सिक्योर मोर देन डी। अब क्या गिवन यहां पे आपके पास में, ए सिक्योर मोर देन डी बट लेस देन जी, ए के जी से क्या है, कम, यही कहा, ए सिक्योर मोर देन डी, डी से ज्यादा है बट जी से कम है, कम है। आगे कहा F secure more than only, अभी छोटे छोटे keywords है, इनका ध्यान रखना है आपने, कह रहा F secures more than only B and C, B सिर्फ B और C से ही कम ज्यादा है, F के जो F है, F के सिर्फ B और C से ही ज्यादा है, ठीक है ना, ये कहा है। नेक्स्ट आगे की बात है, E secure highest marks, E के क्या है,
हाईएस्ट है। अब यहाँ पे इसके एफ के इधर तो और कोई आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, दैट मीन कि सारे के सारे इधर आएंगे, और साथ में उसने कहा ई के हाईएस्ट है तो ई यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बी सी कहाँ पे आ जाएगा, तो ये तीनों कहाँ पे एडजस्ट होंगे, यहीं पे होंगे बी एंड सी। अब यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन हमें नहीं पता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आगे गिवन है कुछ और आपके पास में, द वन हूज स्कोर्स सेकंड लोवेस्ट मार्क्स इज 44, कह रहा है कि जिसके सेकंड लोवेस्ट हैं उसका आएगा 44, किसके सेकंड लोवेस्ट के। अब यहां पे हमें नहीं पता कि बी है या सी है, ठीक है। अब साथ में क्या कह रहा है कि सेकंड लोवेस्ट एंड द वन हू सिक्योर सेकंड हाईएस्ट इज 72, मींस इसके कितने आ जाएंगे आपके 72 सेकंड हाईएस्ट के। ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट है, और ये क्या है हमारे पास में, सेकंड लोवेस्ट है। डन। नाउ क्वेश्चन इज बी सिक्योर 8 मार्क्स, कह रहा है अगर बी के कितने आए हैं 8 मार्क्स मोर देन सी, बी के मोर देन सी है, दैट मींस कि बी के ज्यादा है सी से, सीधी सी बात है, ये साइन लग गया। जैसे ही यहाँ पे हमें मिला कि बी सिक्योर 8 मार्क्स मोर देन सी, तो वैसे ही मुझे पता चल गया कि बी के ज्यादा है सी से। अब कह रहे कि हाउ मेनी मार्क्स डिड सी सिक्योर, सी के कितने, 8 नंबर ज्यादा है, बी के कितने हैं 44, तो सी के कितने हो गए 8 ज्यादा थी, कितना हो गया 36, सीधी सी बात है, तो सी के कितने हो गए 36 हो गए, सो आंसर विल बी 36, ओके। अब देखो यहाँ पे कह रहा है इफ जी सिक्योर 20 मार्क्स मोर देन एफ, अगर जी के 20 मार्क्स ज्यादा है किससे, एफ से, जी के 20 मार्क्स ज्यादा है किससे, एफ से, दैट मींस कि एफ के कितने आ गए हमारे पास में 50 मार्क्स है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट देन, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड मार्क्स ऑफ ए एंड डी रेस्पेक्टिवली, कह रहा है ए और डी के मार्क्स कितने आएंगे, दैट मींस कि जो ए और डी के मार्क्स हैं वो 72 और 50 के बीच में होंगे, 72 और 50 के बीच में होंगे, 72 ए डी और यहां पे आएगा 52, क्लियर, यही है पॉइंट। तो अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है 68 56 बिल्कुल हो सकता है, तो ये आंसर आ गया अपने पास में। अब देखो बाकी भी चेक करते हैं एक बार, वैसे आंसर आपका आ गया, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है 54 70, अब 54 70, अब यहाँ पे हमें पता है कि ए के ज्यादा है एज कम्पेयर टू डी, ए के मार्क्स ज्यादा है, दैट मीन्स कि ये तो हो ही नहीं सकता, 70 50, अगर हम 50 लेते हैं तो ये तो 52 से कम हो गया, दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता, 58 68 5, तो हमें पता है कि ये जो है आपके पास ए ज्यादा होना चाहिए डी से, तो ये भी रोंग है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, यस। नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन, रिया करेक्टली रिमेंबर्स, हाँ जी एक इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में रिमेंबर वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने भी पर्सन की स्टेटमेंट्स है ना, तो सभी को ट्रू मान के चलना है हमने, और सभी में से जो कॉमन पॉइंट है दैट विल बी योर आंसर, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे यहाँ पे कह रहा है रिया करेक्टली रिमेंबर, एक पर्सन है रिया, ठीक है, अब उसको क्या रिमेंबर है देखते हैं। रिया करेक्टली रिमेंबर दैट सी हैज पेड एन अमाउंट लेस देन 50 बट मोर देन 8 फॉर ए टिकट ऑफ आगरा, क्या कह रहे, लेस देन 15 से तो उसकी कम है, बट मोर देन 8 से ज्यादा है, ठीक है, 15 से कम है 8 से ज्यादा है, यही कहा है उसने, पॉइंट इज क्लियर। कह रहा है कि ये जो अमाउंट उसने पे करी है, जो टिकट है आगरा से संजय प्लेस तक, तो वहां तक की उस कह रहा है कि लेस देन है 15 से कम है, बट ज्यादा किससे है 8 से, क्लियर। अब दूसरा जो पॉइंट है कह रहा है सुधा रिमेंबर्स, अब दूसरा पर्सन है यहाँ पे कौन, सुधा, दैट सी हैज पेड एन अमाउंट लेस देन 13 बट मोर देन 10, बट कह रही 10 से मैंने ज्यादा पे किया है। अब दोनों केसेस में प्लेस तो सेम है, तो अमाउंट भी सेम होने चाहिए, डन। अब आगे एक और भी कंडीशन गिवन है, क्या, द अमाउंट पेड इज नॉट इवन नंबर, इवन नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब 8 और 15 के बीच में क्या क्या आता है अगर मैं देखूं तो, यहां पे अपने पास में 9 हो गया, 11 हो गया और 13, इवन मैंने यहां से कैंसिल कर दिया। अब 10 और 13 के बीच में क्या आता है, 11 और 12 आपके पास में इवन है, तो अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 11, सो 11 विल बी योर आंसर,
ओके तो जब भी रिमेम्बर वाले आते हैं ना, बर्थडे पे भी आ जाते क्वेश्चन के, हाँ जी किसी का उसके फादर का बर्थडे इस डेट से इस डेट के बीच में है, दूसरे को याद है कि हाँ जी यहाँ से यहाँ तक है तो बताओ, तो दोनों में हमने कॉमन देखना है वहां पे, ठीक है, जो कॉमन होगा दैट विल बी योर आंसर। ओके यस, हाँ जी एक और क्वेश्चन देखते, कह रहे शिमला इज कोल्डर ओनली ऊटी, कह रहे जो शिमला है, शिमला इज कोल्डर ओनली ऊटी, सिर्फ ऊटी से ही कोल्डर है, दैट मीन्स कि और सब क्या है इससे ज्यादा ही कोल्डर है, बाकी सारे इधर आएंगे, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है मंसूरी इज कोल्डर देन माउंट आबू, मंसूरी इज कोल्डर देन माउंट आबू, डन, ये सारा इधर ही आएगा, बट अभी हम देखते कैसे प्लेस करना है उसको। ओके अब यहाँ कह रहा है कि माउंट आबू बट नॉट एज कोल्ड एज नैनीताल, बट नैनीताल जितना नहीं है, जो मंसूरी है कह रहा है माउंट आबू से तो ज्यादा कोल्ड है बट नैनीताल जितना नहीं है, दैट मींस कि जो नैनीताल है वो ज्यादा कोल्ड है, डन। दार्जिलिंग इज कोल्डर देन शिमला, दार्जिलिंग जो है वो शिमला से कोल्डर है, दैट मींस कि यही कहीं आएगा बट नॉट कोल्डेस्ट, बट कोल्डेस्ट नहीं है, ठीक है ना, दैट मींस कि यहां पे नहीं आएगा वो, ठीक है। तो अब यहां पे हमें पता चल गया कि जो नैनीताल है वो कोल्डेस्ट है, अब हमारे पास में सीक्वेंस क्या बन गई है, इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और ये हो गया माउंट आबू, क्लियर। अब पॉइंट आ रहा है कि दार्जिलिंग, अब दार्जिलिंग यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, दार्जिलिंग यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, दार्जिलिंग यहाँ पे भी हो सकता है, दार्जिलिंग यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी आ सकता है दार्जिलिंग, डन। अब यहाँ पे पॉइंट है कि बताओ विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंड कोल्डेस्ट, अगर क्वेश्चन आता विच इज कोल्डेस्ट तो हम सीधा कह देते कि नैनीताल आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे कि सेकेंड कोल्डेस्ट, अब सेकेंड कोल्डेस्ट के अंदर अगर मैं देखूं तो मुझे दार्जिलिंग की पोजीशन नहीं पता, क्या पता दार्जिलिंग यहाँ से, मैं जो हमारे पास मंसूरी है मंसूरी से ज्यादा कोल्डर, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है कि मंसूरी दार्जिलिंग से ज्यादा कोल्डर हो, क्योंकि शिमला के साथ दार्जिलिंग को कंपेयर किया गया, सो वी कांट डिटरमाइन कि हाँ जी सेकंड कोल्डेस्ट कौन होगा, सेकंड थर्ड हम दोनों में से कोई भी नहीं डिटरमाइन कर सकते यहाँ पे, सो आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइन, डोंट हैज टू आंसर, डोंट हेजिटेट टू आंसर कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में तो काफी टाइम ऐसा होता है कि हाँ जी कांट बी डिटरमाइन आंसर आ रहा है आपको। ओके तो आई होप ऑर्डर एंड रैंकिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, अगर कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, हाँ जी प्रैक्टिस करनी है तो मैं बार बार कह रही हूँ कुछ नहीं करना, एक हमारा प्रीवियस ईयर कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है उसके लिए, आपने रजिस्टर करना है, आप हमारे पोर्टल पे चले जाओगे, और हर एक लेक्चर के साथ में 2020 मार्क्स का एक टेस्ट लगा हुआ है, अब यहाँ पे देखो अपने जैसे दो लेक्चर है तो दोनों के साथ 2020 मार्क्स का टेस्ट हो गया, सीधे 40 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल गए सेम टॉपिक पे से। ओके यस, सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच।